लर्निंग विद प्रिया मैम। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 7 द वर्क्स वी डू ऑफ क्लास 4। You enjoy participating in various activity in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, pot painting, etc. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may take up later on. Yes, Pita. जैसे कि स्कूल में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, ड्राइंग, पेपर फोल्डिंग, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी, टॉय मेकिंग, पोट मेकिंग एक्सेट्रा। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा, ये फन फील्ड एक्टिविटी भी होती हैं और इनसे आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, जिसको आगे जाके आप अपना कोई भी ऑक्यूपेशन बना सकते हो। एन ऑक्यूपेशन इज अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी। हाँ जी बेटा, ऑक्यूपेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल टास्क होता है जिसको आप कोई भी काम करके जो भी आप अर्निंग करते हो, जो भी आप पैसा कमाते हो, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस। फर्स्ट, स्किल्ड, इलेक्ट्रिशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर। हाँ जी बेटा, स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब क्या होता है? जिस काम को सीखना पड़ता है, एक स्किल्ड पर्सन से प्रॉपरली इस काम को सीखना पड़ता है, तभी हम ये वाले प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है अनस्किल्ड, रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर। हाँ जी बेटा, जैसे कि ये अनस्किल्ड है। अब रिक्शा पुलर और वेजिटेबल सेलर बनने के लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड पे है प्रोफेशनल, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। हाँ जी बेटा, प्रोफेशनल क्या होते हैं? इसके लिए आपको स्किल भी चाहिए, डिग्रीज भी चाहिए और प्रॉपर एजुकेशन भी चाहिए। आपको ये वाले प्रोफेशंस को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, अपना ऑक्यूपेशन बनाने के लिए। अब देखो, टू टू ब्लैंक्स आपको और दी गई हैं। आपने अपने थोड़ा सा अपनी सोचना है और लिखना है कि कौन से और स्किल्ड प्रोफेशंस हैं, कौन से अनस्किल्ड हैं और कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, और वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। People take up different occupations when they grow up. Most people choose an occupation related with their favorite childhood activity or interest in their parents' occupation. Many people choose an occupation on the basis of special skill they have, educational qualifications or training, such as painting, singing, designing or joining the army. The choice of occupation also depends upon the availability of some raw material and the type of landforms where they live. हाँ जी बेटा, जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अलग अलग अपनी चॉइस का प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं। कई बार कोई ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको बचपन से ही बच्चों को इंटरेस्ट होता है। जैसे देखो, आपने कभी देखा होगा कि कई बच्चों को शुरू से, छोटे होते ही सिंगिंग का शौक होता है तो वो बड़े होकर सिंगर बन जाते हैं। कई बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है तो वो क्रिकेटर बन जाते हैं। ऐसे ही कई बच्चों को अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन बहुत पसंद होता है, वो अपने पेरेंट्स वाला ऑक्यूपेशन को फॉलो कर लेते हैं। कई बच्चे को स्पेशल स्किल सीख कर प्रोफेशंस को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। कई बार बेटा, जो भी लोग ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करती हैं वो उस जगह पे कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है इजीली, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, या फिर कुछ लोग लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। पुराने ज़माने में क्या था बेटा? खेती बाड़ी करना लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। Many occupations were dependent upon farming, like the blacksmith made tools for the farmers and the potter made pots for storing grains. Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs. They started working in factories, pulling loads and rickshaws, etc. हाँ जी बेटा, खेती के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ लोग और भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ क्या होता है बेटा? टूल्स बनाने वाले को क्या कहते हैं? ब्लैकस्मिथ। वो टूल्स बनाते थे लोग और
जो फार्मर्स होते थे उनको सप्लाई करते थे, और जो पोटर्स होते थे वो पोट बनाते थे ग्रेन को स्टोर करने के लिए, वो भी फार्मर्स को देते थे। अब देखो बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, न्यू फैक्ट्रीज खुली है ना, बहुत सारी न्यू आई और बहुत सारे काम आए, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, सिटीज में माइग्रेट किया और बहुत सारी जॉब्स की। Do you know many farmers gave up farming due to low income from small land holdings? It was not enough to support their families. हाँ जी बेटा, बहुत सारे फार्मर्स ने खेती करना, फार्मिंग करना इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि इसमें उनको बहुत कम इनकम होती थी जो कि उनकी फैमिली के लिए सफिशियंट नहीं थी। When many farmers migrated to city, their home folk Women folk took over the farming along with their traditional occupations of rearing animals, weaving pottery and basket making. These activities supplemented the farming family income. जी बेटा, अब जैसे फार्मर्स ने तो सिटी में माइग्रेट कर लिया लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली नहीं गई, तो फैमिली में जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, टुक ओवर किया फार्मिंग के लिए, वो फार्मिंग करने लगी, अब एनिमल्स को चराने लगी, वीविंग करने लगी, पोट्स बनाने लगी, बास्केट्स बनाने लगी, मतलब कि जो भी ऐसी सप्लीमेंटेड एक्टिविटीज थी वो फार्मिंग के साथ साथ वुमेन्स उनको भी देखने लगी। डू यू नो In earlier times, many jobs were expected to be done either by boys or girls. But now there are no gender-specific occupations as girls are flying aeroplanes, driving taxis, and boys are cooking and designing dresses. हाँ जी बेटा, पहले क्या होता था कि ऐसे ना स्पेसिफिक किया होता था कि ये काम बॉयज के करने वाले हैं और ये काम गर्ल्स के करने वाले हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो बॉयज भी कोई भी काम कर सकती हैं और गर्ल्स भी कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे जो गर्ल्स हैं वो एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकती हैं और टैक्सीज को भी वो ड्राइव करती हैं, और जो बॉयज हैं वो बड़े बड़े होटल्स में खाना भी बनाती हैं, घरों में भी खाना बनाती हैं, और फैशन डिजाइनर्स भी हैं। The availability of raw material plays an important role in the occupation of the people. For example, the life of people of Mizoram revolves around bamboo as it grows in abundance here. They make their houses with bamboo, sit on bamboo chairs, eat bamboo sprouts from bamboo balls. With bamboo chopsticks, bamboo handicraft are in great demand in India and abroad. हाँ जी बेटा, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो रॉ मटेरियल होता है उससे उसके अकॉर्डिंग भी लोग अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखो बेटा, जो मिजोरम में बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें यहाँ पे बैम्बू से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बैम्बू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है इसीलिए उससे रिलेटेड ही चीज़ें बनती हैं ज़्यादातर। जैसे कि यहाँ पे बैम्बू के घर बनते हैं, बैम्बू की ही चेयर्स बनती हैं, बैम्बू के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें बनती हैं, बैम्बू के बॉल, चॉपस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें, और ये चीज़ें इतनी सुंदर होती हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में भी इनकी बहुत डिमांड है। The landforms and the climate of a place also influence the choice of occupation. अब देखो landform क्या होती है बेटा, देखो हमारे इंडिया में different types की landform है, जैसे कहीं पे mountains है, कहीं पे एरिया है, कहीं पे plateaus है और कहीं पे desert area है, तो इसके according ही जो है occupation को select किया जाता है। Gujjars are the gypsies of Himalayas. In winter These nomads move down to green pastures from the snow-covered mountains with their flock of sheep and goats. They live on the money they earn from selling milk, wool, etc. हाँ जी बेटा, जो हिमालय के गुज्जर्स होते हैं वो विंटर में स्नो कवर्ड पीक्स, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ने लग जाती है, वहाँ से लेकर ये शिफ्ट कर जाते हैं कहाँ पे, ग्रीन पेस्चर्स एरिया में, और इनके साथ इनके शीप्स और गॉड्स भी जाते हैं क्योंकि वो इनके लिविंग लाइवलीहुड के लिए एक बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं, उनके मिल्क को सेल करते हैं और उनकी वूल को सेल करते हैं, और जो भी इनको अर्निंग होती है उससे ये अपना गुजारा कर लेते हैं। New occupations. The development in science and technology brought in many new occupations, professions. A large number of industries, factories were set up to transform
agriculture products like cotton, sugar and minerals like silver, iron or etc. हाँ जी बेटा, अभी देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डेवलपमेंट के कारण बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज बन गई हैं, जिससे क्या है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा नई तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है और जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मिली है। Many people started working in factories and living in nearby cities and towns. They needed housing, education, health, sanitation, market, transport and roads. Hence, people of different occupations were needed like mason, architects, engineers, designers, teachers, doctors, nurses, sweepers, salesmen, drivers, etc. हाँ जी बेटा, अब देखो जो बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटीज़ और टाउन्स में शिफ्ट कर गए हैं। तो जब सिटी और टाउन में बहुत सारे लोग कलेक्टिवली शिफ्ट करते हैं तो एकदम से बहुत सारे घरों की, एजुकेशन की, हेल्थ की, सैनिटेशन, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेसन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिज़ाइनर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, सेल्समैन, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। Iron and steel is a basic industry. It uses iron ore for making industrial machinery, electrical machinery, defense equipments, railway tracks, railway engines, bridges, dams, cars, buses, trucks and many other goods. हाँ जी बेटा, जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, ये कई चीज़ें बनाने में यूज़ होती है, जैसे कि मशीनरीज हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स, बसेस, ब्रिजेस, डैम्स, कार्स, ट्रक्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस इंडस्ट्री को यूज़ किया जाता है, इसमें बनाई जाती हैं। स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया एंड कुल्टी इन Bengal in 1870. A huge iron and steel industry was set up in Jamshedpur in 1907. It was followed by many other steel plants around the regions where iron ore is mined. Thousands of people were employed as fitters, electricians, masons, painters, engineers, marketing experts, scientists, etc. Dignity of labor. All forms of occupation jobs are known as labor. They may be mental or intellectual. In manual labor, physical strength is used more like mason, carpenter, butcher, sweeper, blacksmith, etc. Intellectual labor requires mental ability and educational qualifications like lawyer, doctor, engineer, teacher, pilot, scientist, etc. हाँ जी बेटा, जितने भी तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं या जॉब्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? लेबर। लेबर बेटा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। अब मैनुअल या मेंटल, मैनुअल लेबर क्या होती है बेटा? इसमें ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ होती है, जैसे कि मेसन, कारपेंटर, बुचर, स्वीपर, ब्लैकस्मिथ, इन सबको क्या कहते हैं? मैनुअल लेबर। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेबर क्या होती है बेटा? जिसमें आप अपनी मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। देयर इज जनरल नोशन that intellectual labor is more important than manual labor. Some people look down upon manual labor. They forgot that respect lies in the quality and not in the type of work. All occupations require hard work, sincerity, mental alertness and creativity. A watchman guards a colony carefully and an astronaut travel and work in the spacecraft. Both are performing important and useful jobs. हाँ जी बच्चे, कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लेबर है वो मैनुअल लेबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, बट ऐसा नहीं है बेटा। जो मैनुअल लेबर है दैट इज़ ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज इंटेलेक्चुअल लेबर। अब देखो बेटा, हमारे लिए जितना ज़रूरी डॉक्टर है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए एक सफाई कर्मचारी भी है, क्योंकि
देखो, डॉक्टर के पास आप कब जाओगे? जब आप बीमार होगे। लेकिन सफाई कर्मचारी, अगर वो सफाई ना करेगा तो कितनी ज्यादा गंदगी फैल जाएगी। अगर वो मैनुअल लेबर है, लेकिन है तो वो मैनुअल लेबर, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके रिस्पेक्ट की नजर से उनको नहीं देखते। लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सफाई करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। और जैसे कि एक वॉचमैन है, वो हमारी कॉलोनी को गार्ड करते हैं, हमें चोरों से बचाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी चीज़ों को, घर में बच्चों को और बड़ों को सेफ्टी देते हैं। तो इसीलिए बेटा, ये सब भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, हमें इनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि हम डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर या फिर पायलट की करते हैं। लेट्स सी द स्टोरी। वंस अ मैन नेम्ड हरी वेंट टू अ सेंट एंड बेग्ड फॉर फूड। द सेंट आस्क्ड, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? हरी रिप्लाइड, I have a blanket that is only big enough to cover my body and spread as a sheet. I also have a leather water bag. The saint told him to go home and bring both the items. Hari brought the items and the saint asked the people present there, "Who will buy these?" One man said, "I will take them for 5 rupees." Another man offered 10 rupees. The saint took the money and gave it to Hari, who then brought food with 5 rupees and an axe with the other 5. The saint told Hari to cut wood with the axe, sell it, and meet him after 1 week. After a week, Hari earned 50 rupees. He was happy. The saint kept his hand on his shoulder and said, "You look happy because labor has dignity and begging brings shame." हाँ जी बेटा, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें देखो क्या होता है कि एक बार हरी जो है वो एक सेंट से भीख मांगने के लिए जाता है, फूड भीख में मांगने के लिए जाता है। तो वो जो सेंट होता है वो तो फिर एक बहुत अच्छा इंसान होता है, तो वो कहता है कि ये तो भीख मांगनी तो अच्छी बात नहीं है, इसको ना कोई मुझे लेसन टीच करना चाहिए। तो वो उसको पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हरी कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास तो एक ब्लैंकेट है और एक लेदर वाटर बैग है। तो सेंट उसको कहता है कि चलो ये तुम दोनों चीज़ें लेकर आओ। तो वो लाके जो हरी है वो दोनों चीज़ें सेंट के पास रख देता है कि देखो भी मेरे पास तो यही दो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो सेंट होता है, सेंट उन चीज़ों को बेच देता है 10 रुपीज़ में, और वो जो 10 रुपीज़ होते हैं वो हरी को दे देता है। अब हरी क्या करता है, 5 रुपीज़ का तो फूड खरीदता है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, फूड खा लेता है, और 5 रुपीज़ की बेटा वो एक कुल्हाड़ी खरीद लेता है। तो अब सेंट उसको कहता है कि तुम इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटो और उनको बेचो, और जो भी अर्निंग होती है तुम उसको संभालो, और 1 वीक के बाद आप मेरे पास आना। तो जो हरी होता है वो ऐसे ही करता है। हरी क्या करता है, डेली कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ काटता है, उनको बेच देता है। अब जब हरी सेंट के पास आता है 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद, अब उसके पास 50 रुपीज़ होते हैं और वो बहुत खुश होता है। अब सेंट उसको कहता है, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको कहता है कि तुम बहुत हैप्पी लग रही हो। क्यों हैप्पी लग रही हो? क्योंकि अब उसने मेहनत से कमाई करनी शुरू कर दी है, मेहनत से काम करना शुरू कर दिया है। अब देखो बेटा, चाहे वो लकड़ियाँ ही काट रहा है लेकिन वो भीख तो नहीं मांग रहा ना। अब देखो, जो काम करना है, हर काम अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी है, ठीक है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी काम है वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी है। लेकिन भीख मांगना एक शर्म की बात है। इसीलिए हरी बहुत खुश था क्योंकि अब वो एक अच्छा काम कर रहा था, अब वो लेबर कर रहा था। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर्स। हाँ जी बेटा, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है कि हर एक काम को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है, किसी भी काम को दूसरे काम से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझना। द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, कार्विंग वुड एंड गुजरात फॉर कच्ची मिरर वर्क। इट इज द हैंड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दिस क्राफ्टमैन।
हाँ जी बेटा, जो कश्मीर के क्राफ्ट्समैन हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी जो वो शॉल्स के ऊपर करते हैं और जो वुड के ऊपर वो नक्काशी करते हैं, और जो गुजरात के लोग हैं उनका कच्ची जो मिरर वर्क है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत क्रिएटिविटी लगती है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी काम को पूरे वर्ल्ड में बहुत पसंद किया जाता है और इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। डू यू नो, गांधी जी सेड मैनुअल वर्क इज नॉट इंफीरियर टू मेंटल वर्क। अब गांधी जी का क्या कहना है बेटा? गांधी जी कहते थे कि जो मैनुअल वर्क है वो किसी भी एंगल से इंफीरियर नहीं है, कम नहीं है मेंटल वर्क से। No job is greater than the other. Dignity can be achieved only with hard work. Gandhi ji preached dignity of labor in Sabarmati ashram. The people living in the ashram were taught to clean the toilets and surrounding themselves. अब जी देखो बेटा, जो गांधी जी थे वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि कौन सी जॉब बड़ी है कौन सी छोटी है। हमेशा वो कहते थे कि हर जॉब हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जो उनका साबरमती आश्रम था वहाँ पे वो यही कहते थे कि हर काम खुद करना चाहिए, अपने हाथों से करना चाहिए। इवन कि वहाँ पे लोगों को कहते थे कि अपनी टॉयलेट्स जो हैं वो खुद साफ करो की जाए, और जो अपना सराउंडिंग एरिया है वो भी हर इंसान अपना सराउंडिंग एरिया खुद ही क्लीन करे। Every work is respectable, dignified and important for the society. People doing manual labor are not inferior in any way. A dignified work becomes undignified only if it is done in a wrong way or by unfair means. हाँ जी बेटा, देखो हर काम जो है वो respectable, dignified और important है हमारी society के लिए। अब देखो कोई भी इंसान चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहा है चाहे वो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इक्वली रिस्पेक्टेबल है। कोई भी मैनुअल वर्क जो है वो इन्फीरियर मतलब कि किसी से कम नहीं है। हाँ जी बेटा, एक डिग्निफाइड वर्क अनडिग्निफाइड मतलब एक रिस्पेक्टेबल वर्क अनरिस्पेक्टेबल कैसे बन जाता है? जब उसको एक गलत तरीके से किया जाता है। Many families have domestic help to take care of their household chores and children. It is important to talk politely with maid servants and respect them for their work. हाँ जी बेटा, अब घर में बहुत सारे लोग ऐसी हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके घर पे मेड्स होती हैं बच्चों को संभालने के लिए और घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, तो उनका वर्क भी बेटा देखो इक्वली इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टेबल है, तो इसलिए उनकी भी इक्वल ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज अ फैमिली मेंबर्स। Sometimes children do not feel proud of the occupations of their parents. The son of a tailor may wish that his father were a doctor, but Do we not require a tailor as much as we need a doctor? Hence, it is important to know that it is the hard work, devotion to duty and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. Do you know? Honesty living is respectable living. हाँ जी बेटा, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को शर्म फील होती है कि मेरे पापा छोटा काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। कई बार कोई टेलर का बच्चा ये सोचता है कि काश मेरे पापा डॉक्टर होते। अब आप सोच के देखो बेटा, डॉक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? आपको लगता है टेलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? नो, टेलर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि डॉक्टर की ज़रूरत तो हमें कभी महीने दो महीने में एक बार पड़ती है, लेकिन टेलर के स्टिच हुए क्लॉथ्स जो हैं वो तो हमें रोज़ ही चाहिए पहनने के लिए, तो हम टेलर को कम क्यों मान रहे हैं? टेलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज डॉक्टर। तो इसीलिए जो है कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना। जो भी आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपने हर ऑक्यूपेशन की इक्वल ही रिस्पेक्ट करनी है। हाँ जी बेटा, डू यू नो के अकॉर्डिंग क्या है? ऑनेस्ट लिविंग इज रिस्पेक्टेबल लिविंग। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप ऑनेस्टी से अपनी लाइफ को जीते हो, ऑनेस्टी से कोई भी काम करते हो, तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको हर एक की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। Dear children, I hope the explanation of this chapter is clear to you. So if you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.